साथ एक बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग मोदी जी के साथ जाने वाले हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है इसके लिए। पहली बार ये ट्रेन यहाँ से जाएगी तिरुपति, वहाँ पे दर्शन करने के लिए लोगों को बड़े आसानी होगी, टाइम बचेगा लोगों का, उस पर कुछ बताइए आपको जानकारी। हाँ, मतलब अभी तिरुपति जाने के लिए लोग बाइक से जाते थे जिसके कारण कि एक्सीडेंट हो जाते थे, तो अभी इस ट्रेन में से जाएंगे तो बच भी जाएंगे और जीवित हानि भी नहीं होगी जिसके कारण एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो वो सेफली जा पाएंगे और बहुत कम समय में भी जा पाएंगे। वी आर सो एक्साइटेड टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन एंड द वंदे भारत ट्रेन इज आल्सो प्रीवियसली नोन एज ट्रेन 18 एंड द वंदे भारत ट्रेन हैज सो मच फैसिलिटीज। देयर आर वाईफाई कनेक्शंस एंड सम एलईडी रीडिंग लाइट्स एंड etc. There are automatic doors. We can feel safe when we are traveling in this train. And I've come here to meet the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. वंदे भारत ट्रेन यहाँ से जाने वाली है, पीएम इनॉग्रेट करेंगे, क्या आप लोग उसके साथ जा रहे हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए जाएंगे। कितने बच्चे जा रहे हैं आप? हमारे स्कूल से 10 लोग। नंबर ऑफ फैसिलिटीज है इसमें, ज्यादा फैसिलिटीज है, उसका एक्सेलरेशन त्वरण जो बहुत जल्दी होता, उसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अद्भुत है, शॉर्टेड डिस्टेंस में उसको स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए जर्नी टाइम बहुत कम होता है। वो पैसेंजर के लिए बहुत एमिनिटीज है इसमें, तो कुछ इमरजेंसी लगे तो वो इमरजेंसी बटन को हम प्रेस कर सकते हैं, हमको अलार्म आते हैं, टॉक बैक यूनिट है, कोई इमरजेंसी है तो उसको प्रेस कर सकते हैं, वो हम ड्राइवर से और गार्ड से हम बात कर सकते हैं। वो एसी भी सेपरेट है, उसका पैंट्री लोड्स है, उसको हीटिंग है, वो फ्रिज का फैसिलिटी है, वो फर्स्ट एड बॉक्स है हर कोच में, वो उसका राइड फ्लाइट में राइड होता ऐसे रहता। पॉसिबल स्पीड 160 किलोमीटर है, ये 130 दिया हमारा सेक्शन में, 130 स्पीड जाता है, वो रनिंग टाइम बहुत कम लगते हैं, इसलिए बहुत जल्दी हम जा सकते हैं। ये गाड़ी में फर्क क्या है कि वो गाड़ी में सिर्फ थोड़ा जर्क आता, ये गाड़ी में जर्क ही नहीं आता, पूरा फ्रंट से बटन तक रिजिड कपलिंग है, पूरा क्लोजर सर्किट है। वंस गाड़ी स्टार्ट हुआ तो 5 किलोमीटर स्पीड में आया तो ऑटोमेटिकली डोर क्लोज आ जाता। इसमें वाइट हाइलाइट से वैक्यूम बेस्ड है, मतलब गंदगी नहीं रहता उसमें, एक बार गया तो फ्लैश हो जाता। पूरा चार्जिंग करने में इधर सॉकेट्स रहते, एवरी सीट नीचे सॉकेट्स रहता, लैपटॉप सेल फोन चार्जिंग रख सकते, पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा है सर, इसमें पूरा एसी रहता, पूरा टोटल गाड़ी फ्रंट से बॉटम लास्ट तक पूरा एसी रहता। सर हैदराबाद से कितनी देर में जाता है? सर 8 घंटे में जाता है।